हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिडडे क्लासेस में। सेकंड पार्ट हरित क्रांति चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ रहे थे हरित क्रांति के प्रभाव क्या है। हमने आर्थिक प्रभाव पढ़े थे, आज हम दूसरा आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आर्थिक प्रभाव के बाद है सामाजिक प्रभाव, ठीक है। यानी कि हरित क्रांति का पैसे के अलावा और कैसे समाज पर प्रभाव पड़ा। तो सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ा, हरित क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय के स्तर में वृद्धि हुई है। यानी कि हरित क्रांति लागू हुई उसके बाद जो ग्रामीण यानी कि गाँव के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी आय इनकम में वृद्धि हुई है, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में सरकारी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ी है। उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि होने से जो है उनकी इनकम बढ़ी है। साथ में कृषि क्षेत्र में सरकारी सहायता यानी कि जो सरकार ने अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया है, सब्सिडी वगैरह, इन सब चीज़ों से लोगों की इनकम बढ़ी है ग्रामीण क्षेत्रों की। हरित क्रांति से गांव में व्यक्तिगत तथा क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिला है। साथ ही क्या हुआ है कि हरित क्रांति से जो लोग हैं उनकी कुछ की इनकम बढ़ी है, कुछ की इनकम नहीं बढ़ी है, तो इससे असमानता जो है वो बढ़ गई है। असमानता का अर्थ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में कि असमानता क्या होता है, जब इनकम के रूप में असमानता यानी कि आय असमानता, जब एक किसी की इनकम ज़्यादा और अन्य दूसरों की इनकम कम, तो या फिर एक क्षेत्र की इनकम ज़्यादा और दूसरे क्षेत्र की इनकम कम, तो उससे आय की असमानता बढ़ती है, अमीरी गरीबी का फर्क बढ़ता है, ठीक है। तो ये थे आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जैसे कोई सा भी किसी भी चीज़ का प्रभाव पूछे, चाहे वो हरित क्रांति के हो, चाहे आर्थिक नई आर्थिक नीति के प्रभाव हो, चाहे जनसंख्या के प्रभाव हो, तो इनको आप और बहुत आसानी से जो है तीन चीज़ों में बांट सकते हैं कि आर्थिक प्रभाव क्या होगा इसका, सामाजिक प्रभाव क्या होगा, या फिर मानसिक प्रभाव क्या होगा। इन सब प्रभावों में आप हेडिंग बना के और आसानी से इनके अंदर जो है डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बांटना आना चाहिए ताकि आसानी से आप एग्ज़ाम में कवर अप कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है भारत में हरित क्रांति की सीमाएँ व चुनौतियाँ, या फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत में हरित क्रांति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या फिर हरित क्रांति की सीमाएं और चुनौतियां क्या थी वो बताइए। तो वो हम देखने वाले हैं। तो देखें तो मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के आधार पर हरित क्रांति की समीक्षा की जाए तो कृषि की उत्पादकता बढ़ तो रही है परंतु जनसंख्या वृद्धि की दर से कम। अगर हम बात करें मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपने वो चैप्टर ना पढ़ा हो अब तक तो उसे ज़रूर पढ़ना। मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, सिंपल सा, कि अगर जितनी जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेज़ी से कृषि उत्पादन या उत्पादकता नहीं बढ़ पाती, तो हमेशा इसके बीच में एक बड़ा अंतर रह जाता है, ठीक है। उसी को मार्क्स का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। मार्क्स का सिद्धांत का सिंपल सा है कि जनसंख्या इतनी, अगर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही, मान लीजिए जनसंख्या 100 है और उत्पादन जो है उसके लगभग 60 के आसपास है, तो हमेशा ऐसा बना रहेगा कि जब तक जनसंख्या को सही से कंट्रोल ना किया जाए तो हमेशा उसमें डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो यही मार्क्स का सिद्धांत है। तो मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत के आधार पर हरित क्रांति की समीक्षा की जाए तो कृषि की उत्पादकता तो बढ़ रही है, ठीक है, कि हरित क्रांति से फायदा तो हुआ है कि क्या कृषि की उत्पादकता बढ़ रही है, परंतु साथ में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, तो उत्पादकता कितनी भी बढ़ा ली जाए, अगर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमेशा से एक बड़ा गैप उसमें रहेगा, ठीक है। परंतु जनसंख्या वृद्धि की दर से कम, जिससे कि आत्मनिर्भरता की स्थिति पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है, यानी कि भारत का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बने कृषि के क्षेत्र में रहे, परंतु अभी भी पूर्णतः आत्मनिर्भरता भारत नहीं ला पाया है। क्यों नहीं ला पाया, मेन फैक्टर क्या है उसका, जनसंख्या। जनसंख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा है सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के बाद भी भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है, यानी कि हरित क्रांति की सीमाएं चुनौतियों में दूसरा पॉइंट क्या है कि भले ही भारत ने टेक्निकल बेसिस पे उस मतलब 1970-80 के आसपास से अभी तक बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हो भले ही, लेकिन कृषि के क्षेत्र में अभी भी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है या फिर इतनी अच्छी नहीं है कि भारत जो है
बिन मानसून चाहे हो या ना उसके बिना उत्पादन कर सके। भारत अभी भी किस पर निर्भर है? बड़ी मात्रा में मानसून पर, यानी कि अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। नहीं होगी बारिश अच्छी या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फसल बेकार हो जाएगी। तो भारत अभी भी तकनीक के बाद भी किस पर निर्भर है? मानसून पर, कृषि के लिए, जिससे खाद्यान्न समस्याएँ बनी हुई हैं। खाद्यान्न समस्या का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है उसको पर्याप्त रूप में खिला नहीं पाना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हरित क्रांति की सीमा चुनौतियों में। भारत में सभी क्षेत्रों में हरित क्रांति के समान प्रयोग व परिणाम प्राप्त ना हो पाने के कारण क्षेत्रीय असंतुलन एवं असमानता उत्पन्न हुई है। यानी कि हमें जैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हरित क्रांति जो है, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हरित क्रांति का बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि वहाँ बाकी के फैक्टर्स भी मौजूद थे जो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए थे, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र भी थे जिसमें हरित क्रांति नहीं पहुंच पाई, जिसमें ये पूरी जो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं उसको ये नहीं पहुंच पाई, या फिर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाई, या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इस वजह से जो है असंतुलन यानी कि अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, और उससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। लोगों की इनकम यानी क्षेत्रों की इनकम, लोकेलिटीज़ की इनकम में डिफरेंस आया है। ठीक है, असमानता बढ़ी है। हरित क्रांति हरियाणा या पंजाब में अधिक सफल रही है। आपने कई बार देखा भी होगा या पढ़ा भी होगा कि जो पंजाब और हरियाणा है उसके जो क्षेत्र हैं उनमें जो है फसलें बहुत अधिक अच्छी मात्रा में उगाई होती हैं। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति का इन क्षेत्रों ने बहुत अच्छे से लाभ लिया, और इन क्षेत्रों के पास पहले से भी अच्छी टेक्नोलॉजी और बाकी के यानी कि पैसा भी अच्छा था, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट कर पाए और हरित क्रांति का अच्छे से उपयोग कर पाए। और तो इसलिए हरित क्रांति हरियाणा पंजाब में अधिक सफल रही है, परंतु कुछ राज्यों में इसके परिणाम संतोषजनक नहीं है। कई राज्य ऐसे भी हैं भारत में जहाँ की ज़मीनें जो हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। तो हरित क्रांति ऐसे क्षेत्र में लागू करोगे जहाँ पे कि उत्पादकता या ज़मीन अच्छी नहीं है और सिंचाई के सब समाधान या सिंचाई के साधन अच्छे नहीं है, तो ऐसे में हरित क्रांति सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है, और अगला पॉइंट है, हरित क्रांति ने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। हरित क्रांति ने क्या व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि बिजनेस पे मेन फोकस, हरित क्रांति ने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। यानी कि पहले जहाँ फोकस था कि परिवार को खिलाना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोगों का आपस में एक तरीके से खाने पीने या फिर आपस में मदद करना, बंटवारा करना, लेकिन जब से हरित क्रांति के बाद से क्या है, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया। कृषि से जुड़े हुए परंपरागत मूल्य एवं संस्कृति विलुप्त हो गई। जहाँ पर अपने अगर अभी से पहले अभी के समय से पहले कंपेयर करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर बहुत सारे लोकगीत या फिर कृषि के समय बहुत तरीके के जो है कल एक सकते ट्रेडिशंस होते थे, वो अब धीरे धीरे कृषि के व्यवसायीकरण यानी कि मेन फोकस किस पे आ गया, पैसा कमाने पे। जल्दी से फसल उगाओ, काटो और बाजार में बेचो, पैसा कमाओ। तो उस वजह से जो परंपरागत मूल्य संस्कृति थी वो विलुप्त हुए हैं। अति उत्पादन से मृदा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अति उत्पादन मतलब कि जितनी मिट्टी की क्षमता है और जितनी मिट्टी की क्षमता है या जमीन की क्षमता जितनी है, अगर उसमें हम कीटनाशकों और अच्छी मतलब हाई क्वालिटी के बीज का उपयोग करके, इन सब चीज़ों का यानी कि बाहर की फैक्टर्स का उपयोग करके मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाते हैं और उत्पादन जिससे बढ़ जाएगा, लेकिन ये बढ़ तो जाता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ऐसा होता है, कुछ समय के लिए ये बढ़ तो जाएगा लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ये धीरे धीरे मिट्टी क्या है अपनी उत्पादकता खोती जाएगी। तो हरित क्रांति का एक बुरा प्रभाव ये भी देखा गया है कि मिट्टी ने अपनी उर्वरक क्षमता खो दी है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, हानिकारक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग ने मृदा एवं पर्यावरण को दूषित किया है। ठीक है, ये भी वही है कि हरित क्रांति जितनी ज़्यादा उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाएगा, कीटनाशकों का उपयोग किया जाएगा, उत्पादन तो भले ही बढ़ जाए लेकिन एक समय के बाद मिट्टी अपनी उर्वरता क्षमता खो देगी और पर्यावरण भी इससे दूषित होता है, क्योंकि जो नदियां हैं या उनमें जो बाकी की मिट्टी मिल जाती है, फिर आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो सही से नहीं हो पाते। ठीक है, मिट्टी का प्रभाव अन्य चीज़ों पर भी पड़ता है तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। कीटनाशक जो बहुत ही
हानिकारक होते हैं, उससे जो श्रमिक जो काम करते हैं, जो इसका छिड़काव करते हैं खेतों में काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर और बना सकते हो कि सामाजिक प्रभाव हमने पढ़ा, आर्थिक प्रभाव, और इससे पर्यावरणीय प्रभाव एक और पॉइंट भी बन सकता है, आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हो। तो पॉइंट बनाने को आप इजिली बना सकते हो अगर आपने सही से समझे चीज़ों को। तो लास्ट पॉइंट, कृषकों के पास साख है वित्त की कमी। ठीक है, इस पॉइंट को आप और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो 3-4 लाइनों में, कि सीमाएं एक और थी कि कृषकों यानी कि जो किसान हैं, किसान थे उस समय के, वो उनके पास जो पैसा, जब पैसा ही नहीं है तो हरित क्रांति का उपयोग वो कैसे करें, मतलब उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको वो नहीं ले पाए जितनी संभावना थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए बीज खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के लिए, वो उनके पास नहीं थे। तो ये भी इसकी चुनौतियाँ थी, सीमाएँ थी। तो ये था इसका हरित क्रांति की चुनौतियाँ या सीमाएँ। ठीक है, अगर हरित क्रांति के अच्छे प्रभाव देखें तो हमने पढ़ लिए क्या आर्थिक प्रभाव की कैसे कैसे वृद्धि हुई, और सीमाएँ चुनौतियाँ हमने ये पढ़ी। इससे ज़्यादा चैप्टर में और नहीं पूछेगा, जितना चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं उपाय। उपाय क्या मतलब कि इसके कृषि को बेहतर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो मैंने इनको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, आप इनको डिटेल में लिख सकते हैं। पहला, जैविक कृषि तथा पर्यावरण परक तकनीकों का प्रयोग करना। जैविक कृषि का मतलब होता है नेचुरल तरीके से, जैसे गोबर खाद का उपयोग करना, या फिर अच्छे से रिसर्च करके ऐसी चीज़ों को तैयार करना जो पर्यावरण को, मिट्टी को नुकसान ना पहुँचाए। पर्यावरण परक तकनीक मतलब पर्यावरण के साथ बैलेंस करके, ठीक है, अच्छी खेती की जाए। दूसरा, वर्षा जल संरक्षण एवं मिट्टी की गुणवत्ता व नमी को बनाए रखने के प्रयासों को बड़े स्तर पर करना, यानी कि वर्षा जल संरक्षण, जो बारिश होती है उसका पानी जो वेस्ट चला जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना, ताकि ऐसे टाइम पे जब उपयोग किया जाए, जब बारिश नहीं होती, खेतों में उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, और मिट्टी की गुणवत्ता व नमी को बेहतर मतलब बनाए रखने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा सके। ठीक है, कीटनाशकों इन सब का उपयोग करने की जगह जैविक कृषि की जाए। तीसरा, हरित क्रांति का विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग, यानी कि जो अच्छे टेक्नोलॉजी है, बीज है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टिफाई करके, यानी कि जो उनकी कमियाँ उनको दूर करके, ताकि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए, मिट्टी को नुकसान ना पहुँचाए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में प्रयोग करके। ठीक है, अगला, कृषकों को साख एवं वित्त उपलब्ध करवाना है। साख एवं वित्त का मतलब पैसा उपलब्ध करवाकर, उनको लोन देकर, सस्ती ब्याज दरों पर लोन देकर जो है कृषकों को वित्त उपलब्ध करवाना, पैसा उपलब्ध कराना, ताकि वो आगे इन्वेस्टमेंट कर पाए, अच्छे बी क्वालिटी के बीज खरीद पाए, टेक्नोलॉजी लगा पाए, ठीक है, और उसको मार्केट तक पहुंचा पाए, अपनी जो खेती है, अपना जो प्रोडक्शन किया है उन्होंने, जिससे उनकी इनकम अच्छी हो। तो ये इसके उपाय हैं, आप इनको डिटेल में लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है यहाँ पर, कौन सा, हरित क्रांति का। ठीक है, कृषि से रिलेटेड और भी चैप्टर और आगे हैं, उसमें हम और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।